दर्शन घर बैठे बैठे हो रहे हैं। बताते हैं कन्नौज की तरफ से सपेरे तरह तरह के सांप लेकर शहर में आए हुए हैं और नागों के दर्शन लोगों को करवा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सपेरों की मधुर बीन पर न केवल सांप बल्कि इंसान भी झूमते दिख रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सपेरा है, अब बहुत शानदार, बैठ जाना ना। देखिए यह वो बीन है जिस पर सांप लहराने लगते हैं कि नाग लहरा भी रहा है। करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडियन कोबरा है और लहरा रहा है कोबरा। जितेंद्र नाथ जी कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के? कन्नौज के साहब। कन्नौज के, कब से ये सपेरे का काम कर रहे हैं? हमारे बाप दादे ही करते आ रहे हैं साहब। ये बाप दादे करते आ रहे हैं। तो आप कैसे सांप को पकड़ लेते हैं, कैसे पचा? आपको काटता नहीं सांप कभी? नहीं साहब, जड़ी होती है वो, उसकी खुशबू से नहीं काटता सर। जड़ी की खुशबू से नहीं काटता है? आपके हाथ में लगा लेते हैं जड़ी? क्या ये लगा लेते हैं? फिर उसके बाद कील देते हैं या दांत तोड़ देते हैं? कील देते हैं साहब। कील देते हैं, दांत नहीं तोड़ते हैं? दांत। आपके पास ऐसे कितने सांप होंगे पले हुए? बस अब कहाँ भी एक ही, यार एक ये दो ही हैं बस। अब ये शिवरात्रि है, जब तक है शिवरात्रि खत्म तो नाग भी खत्म। फिर छोड़ देते हैं हम लोग साहब। छोड़ देते हो? हाँ साहब, दूध पिलाएंगे ऐसे। आज है शिवरात्रि, दिन भर घूमेंगे, शाम को दूध पिलाएंगे, छोड़ देंगे बेचारों। दूध पी लेता सांप? हाँ साहब, पीता क्या नहीं पीता। अच्छा, आप दे चावल की माड़ है, बेसन है, दाल का पानी, ये चीज खाता। आप जो शो करते हैं उससे क्या पेट भरने का खर्चा कमा लेते हैं? हमारे कितने बच्चे हैं आपके? दो हैं साहब। कहाँ रहते हैं बरेली में? है? बरेली में कहीं रहते हैं? हाँ, यहीं चौपले रुके हैं। चौपले रुके हो, फिर चलते फिरते रहते हो? नहीं, चौपले वहीं रुके, वहीं रहते हो। चलो ठीक है भाई, बात होता।